बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग धन संबंधी परिभाषाओं का अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग कल्याण संबंधी परिभाषा का अध्ययन करेंगे। जिसकी परिभाषा हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी उसको हम लोग आज समझेंगे। कल्याण संबंधी परिभाषा में मार्शल के द्वारा दिया गया है, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। इसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रिया के उस भाग की जांच करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड्स ऑफ वेलबींग। इस परिभाषा में हम समझ रहे हैं कि अर्थशास्त्र वो वैसा विज्ञान है जो मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन करता है। मानव जीवन के यह व्यक्तिगत भाग का भी अध्ययन करता है एवं सामाजिक भाग का भी अध्ययन करता है और उनकी क्रियाओं का अध्ययन करता है और जांच करता है कि इस कि क्या ये क्रिया उनके भौतिक कल्याणों की प्राप्ति से जुड़े हुए हैं कि नहीं है। तो उनके बीच में ये संबंध को स्थापित करने का या उसके संबंध को जानने की साधन है। पीगो के अनुसार से भी अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर बींग डिस्क्राइब्ड एज दैट पार्ट ऑफ वेलबींग विच कैन बी ब्रॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टू रिलेशन विद द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। यहाँ पर जो कल्याण के बारे में बात किया जा रहा है यह कल्याण आर्थिक कल्याण है, भौतिक कल्याण है, मटेरियल वेलफेयर है, वैसा कल्याण जिसे मुद्रा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी परिभाषा जो है वह है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। यह मिसेस जॉन रॉबिन्सन के द्वारा दी गई है। मिस्टर रॉबिन्स ने इसे 1932 में अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में इसके बारे में उल्लेख किया था और कहा था कि उन्होंने अर्थशास्त्र को एक विभिन्न दृष्टिकोण से देखा था। उनके विचार में अर्थशास्त्र मानव व्यवहार के चुनाव पहलू मतलब चॉइस एस्पेक्ट का अध्ययन करता है। रॉबिन्स के विचार में मानवीय आवश्यकताओं की असीमितता तथा साधनों की सीमितता के कारण मनुष्य को आवश्यकताओं में चुनाव करना पड़ता है। अर्थात इसी तरह रॉबिन्स ने इसकी एक परिभाषा दी। परिभाषा यह थी कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। इससे पहले हम लोग अध्ययन किए कि यह मौद्रिक मुद्रा के द्वारा भौतिक कल्याण के बारे में अध्ययन करता है। अब हम लोग इसका अध्ययन इस रूप में करेंगे कि यह दुर्लभता के आधार पर अध्ययन करता है। दुर्लभता के आधार पर अध्ययन करने का मतलब है कि भौतिक जो वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकता की हैं, हमारी आवश्यकताएं जो है वो अनंत है, लेकिन हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली वस्तुएं जो हैं वो सीमित हैं। इसीलिए मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं में से सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को चुनना पड़ता है और ये चुनाव का जो उसका व्यवहार है यह चुनाव का व्यवहार ही किस प्रकार से हो, कौन किसको वो चुने और किसको वो छोड़े यह जो है अर्थशास्त्र बताता है। इसीलिए इसे दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं कहते हैं क्योंकि साधन जो है वह दुर्लभ है या वस्तुएं जो हैं सेवाएं जो हैं वह दुर्लभ हैं। इसके रॉबिन्स ने कहा है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस।
रॉबिन्स ने एक बात और कहा है कि व्यक्ति जो है साधनों का चुनाव करते हैं अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन ये जो साधन है इनमें एक विशेष गुण है, यह क्या है, इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, इसका बहुत रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मतलब एक साधन सिर्फ एक ही आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता नहीं रखता, बल्कि वो कई आवश्यकताओं को, मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई करने का उसके पास कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है। लेकिन हमारे ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है और इसे मनुष्य को समझने में और चुनने में अर्थशास्त्र उसका मदद करता है कि वह कौन सी आवश्यकता को चुने और उस साधन के द्वारा कौन सी आवश्यकता को चुन के उसे संतुष्ट करें। इसी प्रकार सीटोवस्की, स्टिगलर तथा मैकफी आदि भी कुछ ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने रॉबिन्स के इस विचार का समर्थन किया। सीटोवस्की ने कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसका संबंध दुर्लभ साधनों के प्रबंध से है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। रॉबिन्स की परिभाषा की पांच महत्वपूर्ण जो घटक है वो है असीमित आवश्यकताएं, अनलिमिटेड वांट्स, साधनों की सीमितता, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, आवश्यकता की तीव्रता में अंतर, डिफरेंसेस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, और लास्ट चुनाव की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। रॉबिन्स की परिभाषा में मानव कल्याण को कोई स्थान नहीं दिया गया है, बल्कि आवश्यकताओं और साधनों के बीच में एक ब्रिज स्थापित करने की